अब हम आपको वो वाली जगह दिखाते हैं जहाँ से मुबैना तौर पर उस नौजवान को फेंका गया या उसने छलांग लगाई, लेकिन इसकी अभी कोई तस्दीक जो है, क्योंकि उस वक्त हनीफ साहब खुद भी मौजूद नहीं थे, अलबत्ता तशद्दुद के बारे में इनको इतला ज़रूर मिली है। ये वो जगह है जहाँ से ये सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नौजवान भागा और भागकर उसने अच्छा जी कहाँ से उसने छलांग लगाई जी? हनीफ साहब ये तो बहुत ज्यादा बुलंदी पे आ गया। हाँ जी कहाँ से जी उसने जंप किया? यहाँ से जंप किया उसने पहले। इधर किया? हाँ जी। अच्छा यहाँ से फिर वो उधर गया। ठीक है वो सामने दीवार उसने फलांगी है। ठीक है नीचे वाली छत पे गया वो नीचे है ना फिर। ठीक है दो मंजिल नीचे है। ठीक है वहाँ से उसने जंप किया वहाँ पे गिरा वो वहाँ पे गिरा। ले जी ये हमने आपको जो मंजर दिखाया ये होटल की छत पे हम मौजूद हैं और ये हनीफ साहब जिनका मुलाजिम था उसने भी जो है बताया, दीगर मुलाजिम भी यहाँ पे मौजूद थे। पहले उसने साथ वाला ये गालबन घर लगता है तो यहाँ पे जंप किया, फिर उसके साथ ही दो मंजिला ऊपर जो ज़मीन पे जो है उसने जब जंप किया तो वो गिरा और कमर उसकी जो है वो टूट गई। अब मुबैना तौर पे ये मामला पुलिस के तशद्दुद के दौरान ही पेश आता है या बाद में पेश आता है, यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन तशद्दुद किया गया इसकी तस्दीक होती है। हनीफ साहब बताते हैं कि उसकी तस्दीक जो है वो करते हैं कि उस पर तशद्दुद हुआ, और अब आगे जाके हम आपको उस नौजवान का बयान भी दिखाएंगे जिसमें उसने खुद एतराफ़ किया कि पुलिस ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया।